क्या होता है, जैसे पिसवाई दे रहे हैं साथ में। राशन से क्या होगा, 5 किलो राशन से कुछ भी नहीं होगा। क्या एक सिलेंडर भी लेने जाओगे तो 1000 का, पेंशन बड़ा सहारा है। वो तो है, अगर पेंशन मिल जाए ढंग की तो कम से कम आदमी अपना जीवन तो कर सकता है। क्या कहेंगे? यही कहूंगी कि पेंशन बढ़ानी चाहिए और फैसिलिटी देनी चाहिए बुजुर्गों को। और जो कोई पार्टी कर रही है क्या, बीजेपी कांग्रेस, आप किसी ने बात करी बुजुर्गों की? कुछ भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी। अच्छा मैं कर रहा हूँ तो मुझे वोट मिलेगा वैसे? आप जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हाँ। आशीर्वाद मिलेगा बुजुर्गों? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये प्यार है, ये आशीर्वाद है। आप लोगों के बीच जाइए, लोग तो तैयार बैठे हैं आपका अभिनंदन करने के, आपको प्यार आशीर्वाद देने के लिए। मैंने तो यही कहा कि छड़ी पर मोहर लगाइए, 17 नंबर है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। साथियों नमस्कार, मैं अजय कुमार और आज हम पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां से हमारे बड़े भाई मनोज सोराजी जी लोकसभा प्रत्याशी हैं और इन्हें बुजुर्गों ने समर्थन किया है। बुजुर्ग लड़ा रहे हैं और यहां भेज रखे हैं कि आप हमारी बात रखिए, सम्मान कीजिए हमारा, क्योंकि कोई भी पार्टी इनकी बात नहीं रख रही है। इसलिए ये सभी पार्टियों के अलावा ये अपना अपना वजूद कायम रखने के लिए यहाँ आए हैं और मैं चाहूंगा कि दो नारे लगाएं, उसके बाद से बड़े भाई को देखें सौंपेंगे माइक और वो मंच को संचालन करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ईपीएस के सम्मान में मनोज सुराजी मैदान में, ईपीएस के सम्मान में मनोज सुराजी मैदान में। तो मैं दे रहा हूँ बड़े भाई को, बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई आपका। इतना जबरदस्त जोश, जुनून और उत्साह के साथ आज हम रामनगर की धरती पर खड़े हैं। कृष्णा नगर और गांधीनगर विधानसभाओं के बीच का ये क्षेत्र है। कहते हैं कि यहाँ पर वो लोग आए जब भारत से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो बहुत सारे लोग आकर कृष्णा नगर, गांधीनगर, गीता कॉलोनी यहाँ बस गए। और आज वो जो आए थे वो लोग आज यहाँ पे सशक्त हैं, मजबूत हैं ऐसी आबादी के बीच में, और उस आबादी के बीच में जिन्होंने बंटवारे का दंश झेला हो उस आबादी के बीच में, आज उनमें से कुछ लोग बुजुर्ग हो गए हैं, तो आज उन्हीं बुजुर्गों के सम्मान में मैं आया हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ बुजुर्गों की बात, क्या कह रहा हूँ कि बुजुर्गों के साथ पिछले 7 सालों से दिल्ली के अंदर बुजुर्गों की पेंशन बंद है। पिछले 7 सालों से बुजुर्ग दिल्ली के तड़प रहे हैं, रामनगर के बुजुर्ग भी तड़प रहे हैं, और उनकी पेंशन की बात कोई सरकार नहीं कर रही है, तो हम उनकी पेंशन की बात उठा रहे हैं। मैं बता दूं पूरे देश में ईपीएस 95 स्कीम से जुड़े हुए 78 लाख बुजुर्ग परेशान हैं, तन्हा हैं, अकेले हैं और गरीबी मुफलिसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 700-800 रुपए की तनख्वाह पर उनका जीवन चल रहा है। ऐसे में जीवन कैसे चले? पिछले 10 सालों से लगातार क्रमिक अनशन हो रहा है बुलढाणा में। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी आए हैं ईपीएस 95 से जुड़े हुए। रामलीला मैदान में उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन मोदी जी ने भी ना उनकी सुनी, एक बात नहीं सुनी, ना मोदी जी ने सुनी ना केजरीवाल जी ने सुनी। तो उन सब ने निर्णय किया कि जाओ हमारी बात को जनता के बीच कहो। तो आज मैं मनोज सुराजी जनता के बीच आया हूँ, रामनगर की जनता के बीच, और बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ। मैं बुजुर्गों को क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बुजुर्गों के सम्मान में मनोज सुराजी मैदान में। मैं बता दूं मनोज सुराजी कौन है। मनोज सुराजी एक अदना सा व्यक्ति है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक पत्रकार है, लेकिन उसको पूरे देश के बुजुर्गों जो उसको उसके चैनल पर देखते थे, उन्होंने कहा कि बेटा तुम हमारी आवाज बड़ी जोश से उठाओगे, तुम हमारी आवाज बड़े जुनून से उठाओगे, तुम हमारी आवाज बड़े सशक्त तरीके से उठाओगे, तुम हमारी आवाज बड़े प्यार से उठाओगे, तुम हमारी आवाज इतने बुलंद तरीके से उठाना कि पूरी सत्ता की नींव सिंहासन हिल जाए, क्योंकि कोई पार्टी हो, बीजेपी या कांग्रेस, कोई बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी कहानी कर रहे हैं। शहजादा शहंशाह मंगलसूत्र इसी में उलझे हुए हैं, गरीबों की बुजुर्गों की किसी को परवाह नहीं है। और हमारा चुनाव चिन्ह जो भी दिया है सरकार ने, जो चुनाव आयोग ने दिया, वो भी छड़ी दिया है। ये छड़ी क्या है? ये छड़ी बुजुर्गों का सहारा है, ये छड़ी बुजुर्गों का आसरा है, ये छड़ी बुजुर्गों का सम्मान है, ये छड़ी वो छड़ी है जैसे पेंशन जीवन में सहारा देती है, जैसे चलने में छड़ी सहारा देती है। तो छड़ी के निशान पर मोहर लगाने के लिए हम लोग अपील करने आए हैं। और रामनगर की जनता देखिए, आंटी ऊपर से देख रही है, आंटी जी मैं
मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है, अपने पन से लोग मुझे स्वराजी कहते हैं। कोई पार्टी बुजुर्गों की बात नहीं कर रही है, पिछले 7 सालों से बुजुर्गों की पेंशन बंद है इस दिल्ली के अंदर। आंटी जी, अस्पतालों में लाइन लगाने जाते तो बुजुर्गों की लाइन भी ढंग से नहीं होती। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह छड़ी है और मैं आपसे वोट मांगता हूँ। मुझे वहीं से आशीर्वाद दे दीजिए, ऊपर से देख रहे हैं आप। देखिए, आंटी जी ने आशीर्वाद दे दिया है, वो ऊपर बालकोनी से देख रही है और उनको पता है कि कोई पार्टी बुजुर्गों की बात नहीं उठा रही, कोई व्यक्ति बुजुर्गों की बात नहीं उठा रहा, लेकिन हम यहाँ पर दहाड़ रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम समझा रहे हैं। और मैं बता दूं, मैं अपने मन से चुनाव में नहीं उतरा, मुझे बुजुर्गों ने 100-100, 50-50 रुपए इकट्ठा करके, 25,000 रुपए इकट्ठा करके जमा कराए और कहा, बेटा जा और तू बुजुर्गों की बात कर, क्योंकि कोई पार्टी बुजुर्गों की बात नहीं करती। पिछले 7 सालों से बुजुर्गों की पेंशन बंद है दिल्ली के अंदर। मैं बता दूं, बुजुर्गों की साथ साथ आज दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है। अच्छी बात है, होनी चाहिए। बुजुर्गों को क्यों नहीं, बुजुर्गों ने क्या दुश्मनी है भाई, बुजुर्गों को क्यों नहीं कहा? बुजुर्ग तो सबसे कमजोर होते हैं। आजकल ऐसा भी होता है कि बच्चे शायद उतने मजबूत नहीं होते, या बच्चों के अपना संघर्ष है, या बच्चे अलग रहते हैं, बुजुर्ग अपने पे डिपेंडेंट होते हैं बच्चों पर। अगर उनकी पेंशन मिलेगी तो पेंशन एक सहारा होती है, पेंशन एक सहारा होती है, पेंशन छड़ी के समान होती है और मेरा चुनाव चिन्ह भी छड़ी है। ये बुजुर्गों के सम्मान में मैं खड़ा हुआ हूँ और आज रामनगर की मार्केट में खड़े होकर, रामनगर के दस्त चौराहे पे खड़े होकर मैं आवाज लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं चीख रहा हूँ कि बुजुर्गों के सम्मान में एक बार वोट कर देना। आपने करा होगा वोट बीजेपी को, आपने करा होगा वोट आम आदमी पार्टी को, आपने करा होगा वोट कांग्रेस को। अच्छी बात है, करते थे, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 78 लाख बुजुर्ग देश के आपके देख रहे हैं कि बुजुर्ग देख रहे हैं कि कौन बुजुर्गों का सहारा बनेगा, कौन बुजुर्गों की बात करेगा। और बुजुर्गों ने ही लड़ाया है, बुजुर्ग ही जिताएंगे। और बुजुर्गों के सम्मान में मनोज सुराजी मैदान में, अब तक बड़े बड़े आपने कैंडिडेट देखे होंगे, बड़ा बड़ा लाव लश्कर देखा होगा, हजारों की संख्या में लोग, भीड़ देखी होगी, बड़ी बड़ी रैलियां देखी होंगी, लेकिन ना हमारे पास भीड़ है, ना हमारे पास रैली है, लेकिन हमारे पास एक इच्छा शक्ति है, हमारे पास बल है, आत्मबल है, चिंतन है, हमारे पास बुजुर्गों का भला करने के लिए संकल्प है। और ये संकल्प आज हम रामनगर की भूमि से, क्योंकि राम का नाम आता है, रामनगर की भूमि से दोहरा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि बुजुर्गों के सम्मान में मनोज सुराजी मैदान में मेरा चुनाव चिन्ह छड़ी है। छड़ी देखिए, हाथ में छड़ी है, छड़ी क्या करती है, आपको सहारा देती है, तो पेंशन भी आपको सहारा देती है। बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे की छड़ी है पेंशन। और मैं आज यहाँ पर आप लोगों से अपील करने आया हूँ, रामनगर की जनता से, आपके सामने खड़ा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला भी नहीं हूँ, मैं बाहुबली भी नहीं हूँ, मेरे पीछे किसी पार्टी का हाथ भी नहीं है, लेकिन मेरे पीछे 78 लाख ईपीएस 95 वाले बुजुर्ग, पेंशन वाले बुजुर्ग खड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो जो बनती है इसको हजारों लाखों लोग अलग अलग चैनलों पर देखते हैं। पूरे देश में आज ईपीएस 95 की बात हो रही है, पूरे देश में आज बुजुर्गों की बात हो रही है, पूरे देश में आज ये बात हो रही है। इसीलिए मोदी जी भी स्कीम निकाल रहे हैं बुजुर्गों की कि 70 साल के बाद बीमा देंगे। अरे भाई, जब 10 साल से परेशान थे बुजुर्ग, तब क्यों नहीं दिया आपने? अब जब चुनाव का टाइम आया तो केजरीवाल जी भी आ गए, मोदी जी भी आ गए, बुजुर्गों का सम्मान कौन करेगा? और जिस देश में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उस देश में, उस घर में कभी तरक्की, कभी प्रगति, कभी शांति, सुख, समृद्धि नहीं आती। तो जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, उसको कहीं कोई सम्मान नहीं मिलता। मैं तो खड़ा हुआ हूँ रामनगर की भूमि पे, मैं तो यहाँ के बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, हम आंटी दूर से खड़ी हुई है, देख रही है, मैं कहूंगा एक बार आ जाइए आंटी जी, एक बार आप मेरे पास आ जाइए, एक बस 2 मिनट के लिए आ जाइए और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और देखिए वो आ रही है और मैंने उनको बुलाया, देखिए आ गई, एक आंटी छत पे खड़ी हुई है, एक आदमी आंटी बालकोनी पे। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपकी उम्र कितनी होगी? इधर आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। 60 उम्र है क्या? आप वृद्धा पेंशन आपको मिल रही है? विडो पेंशन मिल रही है? नहीं, वृद्धा पेंशन दिल्ली में पिछले 7 सालों से बंद है। आपकी पुरानी पेंशन लगी होगी, काफी पुरानी होगी, 60 साल की। लेकिन अभी 7 साल से, पिछले 7 सालों से दिल्ली में नए आवेदन नहीं लिए जा रहे पेंशन के, तो क्या ये अच्छी बात है? बुजुर्गों के साथ ये न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है ना? देखिए क्या, देखिए, अच्छा कितनी मिलती है? 2 या 2500 मिलती होगी। 2500 में क्या खर्चा चल सकता है किसी का? सम्मानजनक तरीके से जी सकता है? 1000 का सिलेंडर है, हो सकता है कुछ? कम से कम 5000 तो होनी चाहिए।
हम यही बात कर रहे हैं कि एक तो पेंशन बढ़े, दूसरा पेंशन सबको मिले, क्योंकि पूरी जिंदगी बुजुर्ग अपना पेट काट काट कर टैक्स देते रहे। अरे टैक्स से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। या तो नौकरी कर रहे होगे तो टैक्स कटा होगा, सैलरी पे होगे तो टैक्स कटा होगा, दुकानदार होगे तो जीएसटी लगा होगा, या फिर वैट उस समय जो चलता था वो LST या जो भी टैक्स चलते थे लोकल टैक्स वो दिए होंगे। हर जगह साबुन खरीदते हो तब भी टैक्स देते हो, कुछ भी खरीदो वो टैक्स देते हो, और पूरी जिंदगी टैक्स देने के बाद जब आपका बुढ़ापा आता है तो सरकार से क्या मांग रहे हो? सरकार से मांग रहे हो कि भाई बुढ़ापे में हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हमारी बुढ़ापे की छड़ी है पेंशन, और उस छड़ी को ही तुम तोड़ दोगे, उस छड़ी को ही तुम छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि छड़ी को, आंटी जी मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है, ईवीएम पे मेरा 17 नंबर है, और बुजुर्गों के लिए लड़ रहा हूं मैं, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए मेरा 17 नंबर है और मेरे चुनाव चिन्ह छड़ी है। तो मैं तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप मुझे समर्थन करें, मुझे वोट करें, आप और आपका परिवार। क्या करेंगी मुझे वोट? देखिए आंटी जी का आशीर्वाद मिल गया है और आंटी जी ने कह दिया है कि वोट करेंगे। मैं आपके पास वोट लेने आया हूँ और आपका समर्थन चाहता हूँ, आपका सहयोग चाहता हूँ, मुझे इसी तरह अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। और मैं चाहता हूँ कि आप इस जो आंदोलन है बुजुर्गों के सम्मान का, इसको पहुंचा दें गली गली, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क सड़क, हर जगह पहुंचा दें, जिससे कहीं भी किसी भी कोने पे किसी भी बुजुर्ग के साथ कोई परेशानी हो, कोई हिंसा हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो हम लोग सब खड़े हो जाएं बुजुर्गों के लिए। आज बुजुर्गों की जो दयनीय हालत है उसको अगर खत्म करना है, उसको जड़ से समाप्त करना है, तो एक आंदोलन की जरूरत है, एक सजगता की जरूरत है, एक चिंतन की जरूरत है, वरना कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि अभी तो हमने सुनना है कि एक मोहल्ले में एक बुजुर्ग के साथ अन्याय होता है, एक बेटा बहू बुजुर्गों के साथ अन्याय करती है, कहीं ऐसा ना हो कि इस मोहल्ले के अंदर हर दूसरे घर में से बुजुर्ग की आह निकले, और जब अगर बुजुर्ग की आह निकलेगी तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने देश को सरकारें भी सुरक्षित करें बुजुर्गों का बुढ़ापा, और हम सब अपने परिवार के अपने सब मिलकर भी सुरक्षित करें। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी कहते हैं कि संकल्प है, और यही मेरा ध्येय है, और यही मेरी आशा है, और यही मेरा संकल्प है कि मैं ये करूंगा, और मैं आपका सहयोग, साथ और वोट मांगने आया हूं। अगर आपको अच्छा लगता हो तो वोट जरूर करें बुजुर्गों के सम्मान में, छड़ी पर मोहर लगाएं, 17 नंबर पर छड़ी पर मोहर लगाएं और मुझे जिताएं। जय हिंद, जय भारत।